गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सीएस सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी पुलिस एग्ज़ाम की, जो आपका कल कनेक्ट करवाया गया था 27 मार्च 2022 को। इसके पार्ट 3 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने हिंदी, जीके प्लस इंग्लिश को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रीजनिंग प्लस मैथ की। जैसे कि हमने आपको कल वादा किया था कि हम रीजनिंग और मैथ को अलग से सॉल्व कराएंगे और डिटेल सॉल्यूशन के साथ सबका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। इस लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। टोटल आपको इसमें 16 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, प्लस 8 आपके मैथ के थे, तो ये हो गए 24 क्वेश्चन। और इस वक्त मैं जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपका सीरीज सी का पेपर है। सीरीज सी में आपकी स्टार्टिंग रीजनिंग से हुई थी। पहला क्वेश्चन था फिलिंग द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक सीरीज दी गई है, इसमें बताना है कि इस पॉइंट पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि इसमें 7 का टेबल यूज़ किया जा रहा है, और जैसे कि आप उसमें आपने 7 उनका माइनस करना है। वो कैसे, 200 में अगर आप माइनस 7 करेंगे तो आपको 193 मिलेगा, और 7 का टेबल होता है 14, तो 193 में से आपने 14 माइनस करना है तो आपको 179 मिलेगा, और 179 में आपने माइनस करना है 21, तो 158 मिलेगा। तो ऐसे करते करते 7 चौका 28 होता है, तो आपने 158 में से आपने 28 को माइनस करना है तो आपको मिलेगा 130। सिंपल लॉजिक है, आपने हर एक नंबर को 7 के टेबल से माइनस करना है। मतलब फर्स्ट आपका -7 माइनस होगा, सेकंड पे 7 का डबल 14, तो 193 से 14 माइनस होगा। जो थर्ड टर्म है 179, उसमें से आपका 21 माइनस होगा। ऐसे करते करते आपने माइनस करते रहना है, मतलब 7 का टेबल इसमें यूज़ किया जाएगा और जो वैल्यू आती रहेगी उसको माइनस करते रहेंगे हम। और लास्ट में अगर आपने क्रॉस चेक करना हो तो 130 - 35 कहेंगे आप, क्योंकि 28 के बाद 7 आ जाएंगे तो 35 आता है, तो 130 - 35 कहेंगे तो आपका 95 ही आएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन था सेम सीरीज है, इसमें भी आपने लॉजिक लगाना था। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि आपको दिया गया था 51, 49, 44, 42, 37। तो 51 में से जब -2 कहेंगे तो 49 आएगा, और 49 में से जब अगर -5 कहेंगे तो 44 आएगा। मतलब इसमें लॉजिक है, शुरू की दो टर्म है उसमें -2 हो रहा है, जो नेक्स्ट टू टर्म है उसमें -5 हो रहा है, -2 - -5। देखिए -2 - -5 - -2 - -5, तो 37 में से जब -2 कहेंगे तो आपका 35 आएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, ये बस जीके का क्वेश्चन भी है साथ में रीजनिंग का क्वेश्चन भी है। इसमें दिया गया था रणजीत सागर लेक, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप सागर, पराशर लेक, इन चारों में से कौन सा अलग है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन स्क्रैप होना चाहिए। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये, क्योंकि अगर हम चले मैन मेड और नेचुरल लेक के हिसाब से, तो जो आपकी पराशर लेक है ये आपकी नेचुरल लेक है, और जो ये बाकी तीनों हैं महाराणा प्रताप, गोविंद सागर एंड रणजीत सागर, ये आपकी मैन मेड है, उस हिसाब से इसका आंसर पराशर लेक बनता है। लेकिन अगर हम इसको सेकेंड तरीके से सोचें, उस केस में आपका पराशर, गोविंद सागर और महाराणा प्रताप ये आपके HP के हैं, लेकिन रणजीत सागर आपका पंजाब का है, उस हिसाब से तो इसका ऑड रणजीत सिंह बनता है। तो सोचने का तरीका अलग अलग है, इसलिए हो सकता है कुछ लोग इसको इस तरीके से सोचें तो आपका प्राशर आएगा, अगर कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे तो आपका रणजीत सागर आएगा, ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते, इसलिए या तो इसका आंसर दो होंगे या फिर इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका ए भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि दोनों में सोचने का अलग अलग तरीका है। अगला क्वेश्चन था आपका इफ इन अ कोड कैब। आपको कैब दिया गया था, इसका कोड है 312 एंड जो बिग है उसका कोड है 297। तो आपको बताना है कि फीट का कोड क्या होगा। ये सिंपल है, आपने ए से लेकर जेड तक अपने नंबर असाइन करने हैं, जैसे आपका ए का होता है 1, बी का होता है 2, तो ऐसे करते करते जेड का होता है 26। तो देखिए हमने सी का है 3, ए का 1, बी का 2, सेम रूल बिग में अप्लाई हुआ, बी का 2, आई का 9, जी का 7, इनकी नंबरिंग यही होती है। तो आपने फीट में भी ऐसे रूल लगाना है। देखिए फीट का होता है 6, एफ का होता है 6, ई का होता है 5, 6, 5, 5 एंड डी का होता है 4, 6 डिवाइडेड बाई 4। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इफ डॉग इज कॉल्ड कैट। ये बोलते हैं अगर डॉग को कैट बोले और कैट को लॉयन बोले और लॉयन को ऑक्स एंड ऑक्स को कॉक और कॉक को बोले एलिफेंट, ऐसे करते इन्हें चेंज नहीं है। और लास्ट में इन्हें पूछा देन फार्मर प्लव विद विच एनिमल। जो फार्मर है, जो किसान है, वो खेती किस पशु से करता है। जो किसान है वो सबको पता है खेती करता है बैल से, और ये इन्होंने बोला है कि जो ऑक्स है इसको ये कॉक बोल रहे हैं,
इस हिसाब से हमारा आंसर होगा कॉक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन था, राम इज टॉलर देन श्याम, जो राम है वो श्याम से बड़ा है, और बट नॉट एज मच राजन। देख लीजिए, जो राम है वो श्याम से बड़ा है लेकिन राजन से छोटा है, तो राजन इसका पहले आएगा। एक सीरीज बन गई। सेकंड पूछा इन्होंने, अर्जुन इज टॉलर देन सोहन, जो अर्जुन है सोहन से बड़ा है, ऊंचा है, तो सोहन से आगे आपका अर्जुन आ जाएगा। और इन्होंने बोला अर्जुन इज टॉलर देन सोहन, हु इज शॉर्ट देन श्याम, लेकिन ये श्याम से छोटा है, तो श्याम इसका पहले से आगे था, तो श्याम से छोटा अर्जुन हो गया। तो ये अब किसी सीरीज बन गई, राजन राम श्याम अर्जुन सोहन। तो लास्ट में इन्हें पूछा हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो दिखती बात है सबसे लास्ट में सोहन है, इसलिए आपका सोहन सही आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था आपका, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, श्याम लाल गोज 8 किलोमीटर इन द वेस्ट, ये आपका चार्ट बनना था, 8 किलोमीटर यहाँ को गया, और उसने बोला देन ही मूव टू राइट, इसने राइट लिया 8 इस तरफ को, और इन द एंड ही गोज 25 किलोमीटर इन द साउथ ईस्ट, यहाँ ये पहुँच गया, ये 25 किलोमीटर है। तो इसने पूछा हाउ फार इज दी फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक जब अभी अभी पहुँचा है कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर लगेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने मैथ को पढ़ा होगा आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या होता है, उसमें क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो पी और ओ तो हमने निकालना है, और 8 8 64, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64, ये हो गया आपका 128। अब आपने निकालना है 128 का रूट, तो 128 का फैक्टर क्या होता है, 64 × 2, 64 × 128 होते हैं, और 64 का आपका रूट निकलता है 8, तो इसका फाइनल रूट निकलेगा 8√2, ये आपका आ गया पी ओ की वैल्यू, पी ओ की वैल्यू ये आ गई। और आपको दिया गया है पी एंड क्यू, हमने हमने इसको नंबरिंग कर दी है, इसको हमने पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया है, ये आपका 25 किलोमीटर है। और आपको पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ और क्यू का डिस्टेंस पूछा है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो 25 − 8√2, कैसे, दिस माइनस दिस, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा ना, 25 − 8√2। और ऐसे करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू थोड़ी अलग आएगी, इसलिए हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें आपको ए बी सी डी में ऑपरेटर दिए गए हैं, इन्हें बोला कि ए का मतलब पॉजिटिव प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब डिवाइड है, एंड डी का मतलब इनटू है। और ये आपको एक क्वेश्चन दी गई थी 16A 4B 3C 4D 2, और जहाँ पे इसमें ए बी सी डी थे वहाँ पे आपने लगाने थे इनके ऑपरेटर जो इनको मेंशन किए गए थे। और जब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया गया तो आपका आंसर आएगा 18.5। आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है वैसे। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका जीके प्लस रीजनिंग का कंबाइंड क्वेश्चन है। इन्होंने बोला इफ़ एवरेस्ट इज टू हिमालय, अगर अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट आबू इज रिलेटेड टू, माउंट आबू का संबंध किससे होगा, माउंट आबू का संबंध होगा अरावली से, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पेपर का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन आपका ये है, जो आपका टाइम लेगा और आपको सोचने में मजबूर कर देगा, क्योंकि एक आपको एक शीट में दी गई है, इन्होंने बोला आपके पास 8 डब्बे हैं, यू हैव 8 बॉक्सेज, और इन्होंने कुछ कंडीशन लगाई है कि आपने उन 8 बॉक्सेज को किस तरीके से अरेंज करना है, उसी तरीके से आपने इनको अरेंज करना है, और लास्ट में इसी बेस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं 3। तो जब इसको हमने अरेंज किया तो फाइनल आपका जो बॉक्स बनेगा वो ये बनेगा, आपको देख लीजिए SPURQTVW, ये इसका फाइनल बॉक्स बनेगा, और इसी आधार पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे आंसर निकल चुके हैं। और क्वेश्चन इनका पहला था कि हाउ मैनी बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में कितने बॉक्सेज हैं, तो देख लीजिए टी एंड एस, टी ये है टी आपका ये है एस ये है, तो इसके बीच में आपके 4 है, PURQ मोर देन 3, 4 आगे और ऑप्शन में आपको मिला था मोर देन 3, तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ मोस्ट पोजिशन, सबसे बॉटम पोजिशन में कौन सा बॉक्स है, वो आपका W है। 12 हाउ मैनी बॉक्सेज आर देयर बिटवीन W एंड R, W और R के बीच में कितने बॉक्स है,
डब्ल्यू और आर के बीच में आपके तीन बॉक्सेज हैं। अब देखिए इनका सॉल्यूशन, देखिए आप यहाँ पे बॉटम आपका डब्ल्यू था, करेक्ट हो गया। और डब्ल्यू और आर के बीच में कितने हैं, डब्ल्यू और आर के बीच में देखिए ये डब्ल्यू ये आर, इसके बीच में है क्यू जे क्यू टी वी, ये आपके तीन हो गए, तो आपका तीन आंसर आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा भिन्न है, मतलब इनमें से कौन सा डिफरेंट है रेस्ट ऑफ दी ऑल, बार्ले मस्टर्ड पीज ग्राउंडनट। जो आपके बार्ले मस्टर्ड एंड पीज है ये आपकी रबी क्रॉप है, और जो आपकी ग्राउंडनट है ये आपकी खरीफ क्रॉप है, इसलिए ये तीनों सेम हो गए एंड ग्राउंडनट आपका अलग हो गया, तो मूंगफली आपका सही आंसर होगा, मूंगफली आपकी खरीफ क्रॉप है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी ऑल। अगला क्वेश्चन था आपका टुगेदर, टुगेदर का कोड है दिस एंड आपने फ्रेंड का निकालना है। तो देखिए टुगेदर में आपने लिख दिया, आपने इसका कोड लिख दिया, आपने देखना है कि इसमें क्या रूल फॉलो किया जा रहा है, क्या लॉजिक फॉलो किया जा रहा है। हमने देखा टी में अगर आप माइनस टू करेंगे तो आपको आर मिलेगा, देखिए आर एस टी, टी से अगर आप एक दो माइनस टू पीछे हटेंगे तो आपको आर मिलेगा, और ओ ओ एंड क्यू के बीच में दो का डिफरेंस है, एम एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तो वन एंड वन टू। देखिए फर्स्ट में आपका माइनस, फर्स्ट लेटर में आपका माइनस टू हो रहा है, फर्स्ट लेटर में आपका माइनस टू हो रहा है एंड सेकंड में आपका प्लस टू हो रहा है, अगले में माइनस टू, अगले में प्लस टू, ऐसे करते करते माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू हो रहा है आपका, तो आपकी ये पूरी सीरीज बन जाएगी। और सेम रूल हम लगाएंगे अगले कोड पे फ्रेंड में, पहले पे हम कहेंगे माइनस टू आपका डी आ जाएगा, और आर में कहेंगे हम प्लस टू आपका टी आ जाएगा, ऐसे करते करते आपकी जो सीरीज बनेगी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन डी आएगा, डी टी जी जी एल एफ। काफ़ी सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लेटर पे आपको माइनस टू करना है एंड सेकंड लेटर पे आपने प्लस टू करना है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था आपका राम पोजीशन इज 13 फ्रॉम अपवर्ड इन क्लास ऑफ 53 स्टूडेंट, आपके 53 बच्चों की क्लास है और जो राम की पोजीशन है ऊपर से 13 नंबर पे है, इन्होंने पूछा उसकी लास्ट से पोजीशन क्या हो गई। देख लीजिए 53 आपके बच्चे हैं और ऊपर से इसकी पोजीशन 13 है, तो लास्ट से जब काउंट करेंगे तो यहाँ तक आएगी 40, और एक ये खुद हो गया तो 40 प्लस एक 41, आपका 41 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, आपको एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया था, इन्हें बोला 1 फरवरी 2009 को संडे है, तो व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन मार्च 1, 2011, 2011 फर्स्ट मार्च को क्या आपका वार आएगा। इसके आपके लॉजिक होता है कि अगर आपको दिया गया ईयर लीप ईयर हो तो उससे अगला ईयर आपने जब निकालना है तो उसमें आपका दो का गैप आ जाता है, जैसे कि अगर आपको दिया गया ईयर में आपको संडे दिया गया है तो उससे अगला ईयर जो होगा सेम डेट पे आपका एक गैप आ जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपका ट्यूसडे आएगा, लेकिन 2009 आपका लीप ईयर नहीं था, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, 2009 आपका लीप ईयर नहीं था, तो इसके मतलब है कि 2010 में भी सेम डेट पे आपका एक डे ऐड होगा, दैट इज मंडे। लीप ईयर ना हो तो आपने एक ऐड करना है, अगर लीप ईयर हो तो आपने दो ऐड करने हैं दिए गए डे ऑफ द वीक में, तो 2009 आपका संडे था, तो 2010 आपका मंडे होगा सेम डेट पे, फरवरी 2010 को मंडे होगा। और जब आपका 2010 देखा हमने, 2010 भी आपका लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 2011 भी आपका एक ऐड होगा, मंडे का होगा ट्यूसडे, तो सेम डेट पे आपका 1 फरवरी 2011 को ट्यूसडे होगा। अब हम पहुंच गए हैं ट्यूसडे 2011 पे, मार्च फरवरी में आपको निकालना था मार्च, तो अब आप उसको मैन्यू कर सकते हैं, अगर 1 फरवरी 2011 को ट्यूसडे है तो 8 फरवरी 2011 को भी ट्यूसडे होगा, क्योंकि 7-7 का रेशियो चलता है इसमें वीक में, अगर एक को ट्यूसडे है तो 8-7 ऐड करेंगे आप ट्यूसडे होगा, 8-7 15 को भी ट्यूसडे होगा, यहाँ पे 22 होगा तो 22 को भी ट्यूसडे होगा, हम पहुँच गए हैं 22 फरवरी में, तो अब आप कहेंगे 22 + 7 = 29 29 फरवरी, लेकिन जब ये लीप ईयर नहीं है तो 29 फरवरी तो कभी आएगा ही नहीं, तो 29 फरवरी का मतलब हुआ ठैस के बाद होगा आपका 1 मार्च, तो 1 मार्च को होगा आपका मंगलवार, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 33 में अब हम पहुंच गए हैं, ये आपके मैथ का सेक्शन शुरू हो चुका है, इफ एच सी एफ ऑफ ए बी इज गुड 15, दो नंबर का एच सी एफ आपका 15 है और इनका प्रोडक्ट आपका 1800 है, आपको निकालना है एल सी एम ऑफ ए एंड बी, इसका आपका फॉर्मूला होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको दिया गया है और एच सी एफ आपको दिया गया है, तो एल सी एम क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाई एच सी एफ, इस इक्वेशन पे आप वैल्यू पुट करेंगे 1800 / 15, ये आपका आ जाएगा कट करा के 120,
ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था आपका, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। आपने टू का निकालना है 75%, 75% ऑफ टू इज इक्वल टू 1.5। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर एंड रीच 6 मिनट लेट। एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहा है 2.5 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर, और वो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। लेकिन जब वो उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होती है तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। उसमें पूछा गया है कि आपको डिस्टेंस स्कूल से कितना होगा। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है कि डिस्टेंस शुड बी सेम, चाहे आपकी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। और हमने मान लिया इसमें कि जो आपका एक्स है वो आपका डिस्टेंस होगा, खुद हम अज्यूम कर रहे हैं, और जो वी है वो आपकी स्पीड है, एंड जो टी है आपका टाइम है। तो देख लीजिए, डिस्टेंस में आपका आपका एक्स आ गया और स्पीड आपकी 2.5 किलोमीटर की है, 2.5 आ गई। और टाइम, टाइम हमने टी प्लस 6.6 लिखा है, वो इसलिए क्योंकि 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो उसका मतलब हुआ टी प्लस 6 और डिवाइड बाय 60 इसलिए होगा क्योंकि आपके 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये आपकी इक्वेशन वन बन गई। सेम रूल अप्लाई करेंगे आप, सेकेंड इक्वेशन भी ऐसी बनेगी, और ये आपकी इक्वेशन वन इक्वेशन टू, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आपका आगा टी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, टी की वैल्यू आपकी आ गई 3/2 आवर। और जब आपकी टी वैल्यू आ जाएगी तो आपने इसको किसी भी इक्वेशन पुट करना है, चाहे आप एक में करें चाहे दो में करें, वैल्यू आपकी दोनों में सेम आएगी। हमने इसमें इसमें एक को फॉलो किया, इक्वेशन वन में जब हमने टी को पुट किया तो हमारी लास्ट में वैल्यू आई 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हमारी वैल्यू आ गई। तो 4 किलोमीटर आपका आंसर होगा, आंसर ए भी था करेक्ट आंसर। ए में आपका 4 किलोमीटर दिया गया था, तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक इक्वेशन दी गई है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको आपने सॉल्व करना है, और लास्ट में सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 37। ये एक इसका सोल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था आपका, इन अ रोम्बस, आपको एक रोम्बस दिया गया है और आपको दो डायगोनल दिए गए 19 और 13 सेंटीमीटर के। इन्हें पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा। तो रोम्बस का जो एरिया निकलता है वो निकलता है हाफ इंटू डायगोनल d1 इंटू d2। तो डायगोनल दिए गए 19 और 13, तो हाफ इंटू 19 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर गार्डन का एरिया दिया गया है 15,400 मीटर स्क्वेयर। आपको पूछा गया है फाइंड इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या होगा। तो हमको पता है कि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया आपको दिया गया है 15,400 मीटर स्क्वेयर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर हमने निकालना था 22/7 × r² इज इक्वल टू 15,400, और 22 से ये कट जाएगा, यह 700 आ जाएगा, एंड 700 × 7 4900, और 4900 का जब स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो आएगा 70, और आपको 70 आ गया। अब इस वैल्यू को आपने पुट करना है पैरामीटर वाली इक्वेशन पे, 2πr में, 2 आपको पता है, पाई की वैल्यू पता है, और r हमने निकाल दिया 2 × 22/7 × 70। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 440 मीटर, 440 मीटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 39, आपको दिया गया था 30% ऑफ एप्पल, ऑफ 450 आपका एप्पल है जिसमें से 30% आपकी ख़राब है, रोटन है। इन्हें पूछा गया था हाउ मैनी एप्पल आर गुड कंडीशन, कितने एप्पल आपके सही है। देख लीजिए, अगर 30% खराब है तो इसका मतलब ये है कि 70% आपके सही होंगे, क्योंकि 100% में से 70 सही है, 30 खराब है। तो आपने सीधा आपने इसमें 450 का 70% निकाला था, 70% ऑफ 450 यू विल गेट 315। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ का, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, वीना ऑब्टेंड एन अमाउंट ऑफ रेस 8376 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर अमाउंट एट 8% पर एनम। उसको 8% का ब्याज लग रहा है आफ्टर 6 ईयर। पूछा गया था व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वीना, वीना ने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट इसको बताना था। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। पी आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी आपका टाइम, एंड डिवाइड बाई 100। तो पी हमें निकालना था, तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो पी आपका बाहर आ जाएगा और एस आई आपका ऊपर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी, और इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर निकलेगा 17,450 और ये ऑप्शन हमने जब देखा, ऑप्शन सी हमें मिल गया, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस पेपर की एनालिसिस करने के बाद हमने देखा टोटल इसमें 16 क्वेश्चन रीजनिंग के, प्लस 8 मैथ के 24 हो गए। और 24 क्वेश्चन को जब कंपेयर किया गया तो इसमें सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं,
तो आपका स्कोर इसमें बेस्ट होगा 18+18 से 20 के बीच में। अगर आपने स्कोर इसमें ले लिया है तो आपकी सिलेक्शन 100% है इस पेपर में। और इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस पेपर की कट ऑफ कितनी होगी और मैक्सिमम स्कोर इसका कितना होना चाहिए था और सेफ स्कोर इसमें क्या होगा। तो इसके हमने पूरे पेपर सॉल्व कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और पार्ट 4 आपका ये है, ये भी अपलोड हो जाएगा कुछ देरी में। और इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों पार्टों के लिंक मिल जाएंगे और शाम तक हम इस पेपर की PDF भी अपलोड कर देंगे विद सॉल्यूशन। और अगर टाइम मिल गया तो आज शाम को आपको JIIT 939 का बहुत ही अच्छा सिलेबस डिज़ाइन मिल जाएगा और वो सिलेबस आपका काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी हार्ड सिलेबस होगा। अगर आपने उस सिलेबस को फॉलो किया तो आपकी सिलेक्शन पक्की होगी। ये वादा CS वर्षन का आप लोगों से है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।